Well, hello guys and welcome back to another awesome and interesting update video of my channel Poke Evolutionaries X. Guys, आज मैं literally बहुत ज्यादा upset हूँ क्योंकि Pokemon से related बहुत ही upset कर देने वाले ही updates आए हैं जो कि आज हम इस video के अंदर discuss करने वाले हैं। तो भाई आज हम तीन topics के बारे में discuss करने वाले हैं Pokemon से related। तो बहुत सारे information है आपके लिए, तो भाई video के अंदर बने रहे end तक ताकि आप सब information पा सको। So, पहले हम Pokemon Black and White के बारे में बात करेंगे, फिर Pokemon का इस वीक का जो TRP आया है उसके बारे में बात करेंगे एंड कल का Marvel HQ का स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो फिर यार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑसम एंड अमेजिंग TRP वीडियोस, अपडेट वीडियोस एंड थ्योरी वीडियोस मिलते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना कैसा लगा अपडेट्स और लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। एंड तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, शेयर करके जाना एंड इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्मॉल इंट्रो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के डबिंग के बारे में। सो आप सबको पता है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का हिंदी डबिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो फिर भी ये लोग टेलीकास्ट करना स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा सवाल है। हम बहुत महीनों से पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का पल के बिछाए वेट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये सीरीज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर भाई मैं इसका रीजन बता देता हूँ। सो आप सबको पता होगा कि पोकेमॉन का डबिंग सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता है, उसका डबिंग तमिल और तेलुगु में भी होता है। और तो जब भी पोकेमॉन का कोई न्यू सीरीज या फिर सीजन टेलीकास्ट होता है इन तीनों लैंग्वेजेस में सेम टाइम, मींस एट द सेम टाइम टेलीकास्ट किया जाता है। तो अगर तमिल और तेलुगु का डबिंग कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हिंदी डबिंग का टेलीकास्ट भी नहीं हो सकता है। एंड अगर ये लोग हिंदी का टेलीकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर तमिल पोकेमॉन फैंस सोचेंगे कि हमने क्या किया है, हमारा क्या कसूर है। तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा उन लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। सो आप सबको पता होगा कि हिंदी में ऐश का वॉइस एक्टर कौन है, नचिकेता सर, और तेलुगु में ऐश का वॉइस एक्टर है डोरा साइतेजा सर। और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर एक स्टोरी डाला था और उस स्टोरी का इमेज मैं आप सबको दिखा देता हूँ। और वहां पर उन्होंने ये दिखाया है कि वो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का डबिंग का काम कर रहे हैं, मतलब पोकेमॉन का डबिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तेलुगु में। तो तमिल का तो मुझे नहीं पता लेकिन तेलुगु का डबिंग अभी भी कंप्लीट नहीं है, ऑनगोइंग है। सो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट डिले होने का यही रीजन है कि डबिंग का काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तेलुगु में, तो वो भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जून या फिर जुलाई के मंथ में इस सीरीज को टेलीकास्ट कर दिया जाएगा तीनों लैंग्वेजेस में, और शायद कुछ ही एपिसोड्स डब होने में बाकी है तो वो भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज टेलीकास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का प्रोमो इस सैटरडे या फिर नेक्स्ट सैटरडे में नहीं आएगा, इसका प्रोमो नेक्स्ट मंथ में आ सकता है। तो ये तो हो गया पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में डिस्कशन। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है पोकेमॉन TRP के बारे में, मींस इस वीक का पोकेमॉन का जो TRP आया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड लिटरली मैं पोकेमॉन का TRP के वजह से ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मींस बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पोकेमॉन का TRP इतना ज्यादा डिटोरिएट करेगा। सो सबसे पहले हम टॉप 10 चैनल्स का TRP लिस्ट देख लेते हैं। सो पोकेमॉन के वजह से मार्वल HQ टॉप 10 में आया था, तो अब मार्वल HQ टॉप 10 पर भी नहीं है, तो टॉप 10 से बाहर निकल गया है हमारा प्यारा मार्वल HQ। सो अब टॉप 10 किड्स शो TRP लिस्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर भी आप सब जैसे कि देख सकते हैं कि पोकेमॉन का भी अता पता लापता है, तो फिर भाई TRP देना पड़ेगा इसको, पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट को भर भर के TRP देना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। तो फिर भाई मार्वल HQ को ज्यादा से ज्यादा देखो, अभी से ही स्टार्ट कर दो मार्वल HQ देखना। सो अभी पोकेमॉन सीजन 11 ओवरडे आ रहा है, तो भाई जाकर देखो, भर भर के TRP दो यार प्लीज। सो अब कल का मार्वल HQ का स्केड्यूल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कल आप सबको देखने को मिलेगा ओवरडे पोकेमॉन सीजन 11, तो भाई जाकर पूरा सीजन देखना, पूरा TRP देना प्लीज, मार्वल HQ को फिर से टॉप 10 पर लाना है हमको। एंड आज आप सबको 11:55 PM से रात को सीजन 13 देखने को मिलेगा पोकेमॉन का, तो फिर से देख लेना पोकेमॉन सीजन 13 को।
सो यार यही थे कुछ अपडेट्स जो मुझे आपको देने थे, और अगर पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आप सबको बता दूंगा। सो यार आज का ये अमेजिंग वीडियो यही पर ही समाप्त होता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाना, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना कि ये सारे अपडेट्स कैसा लगा। एंड मुझे लगता है कि आप सब पोकेमॉन के टीआरपी की वजह से थोड़ा सा नाराज हो गए होंगे एंड अपसेट भी हो गए होंगे, सो डोंट वरी। सो मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।